Bismillah Rahim. Assalamu alaikum. Good morning, guys. I hope that you all will be fine. Today, we are going to start lecture number 22 from the subject of curriculum adaptation. Course code is SPED 3113. So, before going to start the lecture, I would like to discuss the learning objectives for this lecture. After the completion of this lecture, students will be able to number 1 elaborate modification of existing text modification of existing textbooks and materials. Number 2 understand the important steps ऑफ़ मॉडिफिकेशन फॉर द मोडिफिकेशन इन दुक्स सो इस लेक्चर को कम्प्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स इस कबल हो जाएंगे कि एलेबोरेट कर सकें मौजूदा जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन करने के हवाले से या मटीरियल है उनके हवाले से मॉडिफाई करने के हवाले से दूसरे नंबर पे इस मॉडिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे सो कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हमारा आज का जो टॉपिक है वो 5.3 मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक्स एंड मटेरियल है हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं देखिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो वर्ड बताता हूँ ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ एक है एडॉप्ट ए डी ओ पी टी दूसरा ए डी ए पी टी सो अडॉप्ट का मतलब ये है किसी चीज़ को जिस कंडीशन में जिस हालत में वो मौजूद है उसी तरह लेकर के इस्तेमाल करना ये अडोप्ट है और जो अडेप्ट है ए डी ए पी टी अडेप्टेप्ट का मतलब है किसी चीज़ को ले करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें तब्दीली करना सो जब भी हम कोई टेक्स्ट बुक लेते हैं जब हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो जहन में रखें मॉडिफिकेशन हमेशा उसी चीज़ में की जाएगी जो पहले से मौजूद होगी इसका मतलब ये है आप पहले टेक्स्ट बुक को अडोप्ट करेंगे फिर आप उसको करेंगे और आप उसको एडेप्ट जब आप किसी भी टेक्स्ट बुक को एडोप्ट करते हैं तो एडोप्ट करने के बाद आप उसको एडेप्ट इस वजह से करते हैं ताकि आई एम सॉरी ताकि आप उसको अपनी नीड के मुताबिक एडजस्ट कर सकें ताकि आप उसको ताकि आप उसको आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं आपके जो पीपल्स हैं आप उनकी नीड्स के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सके तो इस सोच के साथ किसी भी टेक्स्ट बुक को अडेप्ट किया जाता है मॉडिफाई किया जाता है अब सवाल यह है कि यह प्रोसेस कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है ये डिपेंड करता है काफी फैक्टर्स पे जिसमें नंबर वन पहला पॉइंट है कि आप कितने कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं कंटेंट किसे कहते हैं टॉपिक टॉट इन द क्लास कंटेंट उन टॉपिक्स को कहते हैं जो एक टीचर है उसे कंटेंट कहते हैं दूसरे नंबर पे है ओरिजिनल टेक्स्ट बुक का जो फॉर्मेट है वो क्या है ये जरूर जेहन में रखें एक जो वर्ल्ड फाइल होती है उसको बहुत ईजी होता है मॉडिफाई करना एज कम्पेयर टू पी डी एफ फॉर्मेट में पीडीएफ किसे कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ तीसरा पॉइंट है ये जो कॉन्टेंट है वो किस लाइसेंस के तहत रिलीज किया गया है क्या ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है जो मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन को अलाउ करता है उस कंटेंट के मुताबिक नेक्स्ट पॉइंट है आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कितना कंफर्टेबल हैं और कंटेंट को क्रिएट करने के इस्तेमाल के हवाले से आप कितना कंफर्टेबल हैं तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन से बेसिक्स जो जे जे वो फैक्टर्स थे जो कि मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं और मॉडिफाई करने से पहले इन फैक्टर्स को माइंड में रखना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी टेक्स्ट बुक को मॉडिफाई करने की बात करते हैं अब हम उन इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बात करते हैं अब हम उन इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बात करते हैं जो कि आपको एडॉप्ट करने हैं बिफोर मॉडिफिकेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक ताके आप किसी बुक को इजीली अडेप्ट कर सकें मॉडिफाई कर सकें इसमें सबसे पहले सम जनरल कंसीडरेशंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको भी डिस्कस किया जाना चाहिए पहले जो भी टूल्स आप चूज करते हैं काम करने के लिए हमेशा याद रखें कि स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी का फॉर्मेट पसंद करते हैं अपनी बुक्स के साथ और यहां पे ये भी रखें जहन में रखें कि जो भी बुक जो मॉडिफाई की जाती है उसको या तो पीडीएफ में अवेलेबल किया जाएगा ई पब में अवेलेबल किया जाएगा या एस टी एम एल फॉर्मेट में उसको अवेलेबल किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए यह वेबसाइट पे भी हो सकता है यह फॉर्मेट अगर आप कोई ऐसा टूल यूज करते हैं जो इन फॉर्मेट के मुताबिक नहीं है तो फिर आपको एडिशनल कन्वर्जन टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी जो कि आपके फाइनल टेक्स्ट बुक को कन्वर्ट करेगा इन फॉर्मेट में नेक्स्ट पॉइंट है जी अगर आप ग्राफिक्स को एडिट या क्रिएट करना चाहते हैं या इमेजेस या चार्ट्स या मल्टीमीडिया कंटेंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एडिशनल और स्पेशलाइज्ड टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर में ताकि वो आपको क्रिएट करने में इसमें आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो पॉइंट है जो स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स उसमें स्टेप नंबर वन है चेक द लाइसेंस सबसे पहले यह देखा करें कि आपके पास लाइसेंस है कोई अथॉरिटी है कोई एनओसी है कि आप इस कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि किसी कंटेंट को मॉडिफाई करना बगैर किसी लाइसेंस के बहुत बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है तो जब तक आपके पास कोई लाइसेंस नहीं होगा आप किसी भी कंटेंट को चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते स्टेप टू है द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट बुक अगर आप किसी ओपन टेक्स्ट बुक को मॉडिफाई करना चाहते हैं अडेप्ट करना चाहते हैं तो आपको टेक्सट बुक एक टेक्निकल फॉर्मेट में चाहिए जिसके में जिसमें आप काम कर सकें इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल सोर्स फाइल आपको चाहिए ताकि आप टेक्स्ट बुक क्रिएट कर सकें ओपन टेक्सट बुक के जो कॉमन फॉर्मेट हैं, वो ये हैं। इसमें नंबर वन पे है एस टी एम एल फाइल जिसको वेब पेज कहा जाता है दूसरे नंबर पे है ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग वर्ल्ड फाइल भी कहते हैं तीसरे नंबर पे टेक्स्ट फाइल नंबर फोर पे ई पब नंबर फाइव पे है लेटेक्स फाइल्स अगर ओरिजिनल बुक में मैथ और साइंस फार्मूला शामिल हैं या इक्वेशंस हैं, तो फिर आपको ये फाइल्स चाहिए होंगी नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइड पे आप देख सकते हैं व्हाट टूल्स यू विल यूज टू क्रिएट योर वर्जन ऑफ द टेक्स्ट बुक विल डिपेंड ग्रेटली ऑन डिपेंड व्हाट फॉर्मेट ओरिजिनल टेक्स्ट बुक इन एंड वॉट यू फील कंफर्टेबल वर्किंग विद ये इंपॉर्टेंट है जो टूल्स आप यूज कर रहे हैं या जिस फॉर्मेट पर आप काम कर रहे हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं वो बहुत जरूरी है क्योंकि पी डी एफ जो डॉक्यूमेंट अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल है और आपको मिली ही पीडीएफ है तो जहन में रखें आप उस तरीके से काम नहीं कर सकेंगे PDF फाइल को मॉडिफाई करना एज़ कंपेयर्ड टू वर्ड फाइल इट इज क्वाइट डिफिकल्ट जॉब बट इट इज क्वाइट इजी जॉब टू कन्वर्ट द वर्ड फाइल रादर देन टू वर्क ऑन द वर्ड फाइल रादर देन वर्किंग ऑन PDF फाइल सो वर्ड फाइल पे काम करना ज्यादा बेहतर है बजाय PDF फाइल के तो so, आपका अपना कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी टेक्स्ट बुक मॉडिफिकेशन पे काम कर रहे होते हैं और अगर आपके पास पीडीएफ है भी तो फिर पी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसका मतलब है पहले आपको कन्वर्टर एक सॉफ्टवेयर चाहिए फिर आप पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकेंगे वर्ड फाइल में स्टेप नंबर थ्री है टूल्स फॉर एडिटिंग एंड ओपन टेक्स्ट बुक जब भी आपके पास वो मुतलका फॉर्मेट आ जाता है जो कि आप एडिट कर सकते हैं तब आप टेक्स्ट बुक को मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं कौन से टूल्स आप इसमें यूज करेंगे तो ये डिपेंड करता है उसी फॉर्मेट पे जिस पे आप काम कर रहे हैं और आपका कंफर्टेबल भी उस फॉर्मेट के साथ काम करने के लिए जरूरी है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रेस बुक्स ओपन टेक्स्ट बुक प्रोजेक्ट के लिए जो टूल हम रिकमेंड करते हैं वो है प्रेस बुक्स ये जो प्रेस बुक्स है ये बेसिकली वेब बेस्ड ऑथराइजिंग टूल है जो कि पॉपुलर वर्ल्ड प्रेस पे बेस करता है और बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है प्रेस बुक्स में काम करना वो ऐसे ही है जैसे आप किसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम एलएमएस कहते हैं उस पर आप काम कर रहे हैं और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल मैं आपको दे दूं मूडल, या डिजायर टू लर्न इसमें आप मुख्तलि फॉर्मेट्स के जो नंबर्स हैं वो आप इनपुट कर सकते हैं जो आप प्रेस्ट बुक्स में करेंगे ताकि आप एडिट कर सकें इसमें वर्ल्ड ई पब या एस टी एम एल ये तीनों शामिल होते हैं प्रेस्ट बुक्स में तो प्रेस बुक जो है वो उस टेक्स्ट बुक को आउटपुट करेगी एज अ मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट के तौर पे या ई पब डॉक्यूमेंट के तौर पे सामने करेगी ताकि जो ई e रीडर है उसको यूज कर सके है. या पीडीएफ फाइल में भी वो उसको आउटपुट कर सकती है ताकि ओपन बुक प्रोजेक्ट के तौर पे इसको प्रिंट किया जा सके हम प्रेस बुक्स के हवाले से एक सेल्फ होस्टेड प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन यूज कर रहे हैं लेकिन आप जो प्रेस बुक को ट्राई करेंगे वो आप फ्री होस्टिंग सर्विस के जरिए ही ऑनलाइन यूज करेंगे मीन्स ये जो प्रेस बुक है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप जो कि वेब बेस्ड है और आप नेट से इसको इजीली ले सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है आप स्लाइड पे देख सकते हैं ये है अदर एडिटिंग टूल्स कुछ टूल्स ऑप्शन है जो कि आपको अभी नजर आएंगे जो मुख्तलिफ फाइल फॉर्मेट्स के साथ यूज किए जाते हैं जहन में रखें कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है आप कोई ऐसा टूल भी यूज कर सकते हैं जो आपके लिए काम करता हो ताके या जो आप खुद अपनी ओपन टेक्स्ट बुक क्रिएट करने के लिए यूज करना चाहते हो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्टेप फोर चूजिंग अ लाइसेंस जब आप खत्म करते हैं अपनी ओन बुक ओन टेक्स्ट बुक क्रिएट करने का जो uh, जो वर्जन जिस पे आप काम करें जब आप उसको फिनिश करना चाहते हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी बुक के लिए कौन सा लाइसेंस यूज करना चाहते हैं ये इसका ताल्लुक इस चीज पे है कि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक का लाइसेंस कौन सा था तो डेफिनेटली आपका फिर अपना एक लाइसेंस होगा इस बुक का फॉर एग्जांपल अगर ओरिजिनल टेक्सट बुक Uh, को लाइसेंस किया गया था एस ए के साथ एस ए कहते हैं शेयर अलाइक लाइसेंस तो आपको अपनी जो बुक है वो रिलीज करनी पड़ेगी सेम लाइसेंस के साथ क्योंकि वो फिर उसके साथ आपको मुकम्मल फॉलो कराना पड़ेगा जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपकी ओरिजिनल बुक्स उनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मशरूत है सीसी जो लाइसेंसिंग होती है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है इस स्टेज पे फॉर असिस्टेंस इसको ऑनलाइन भी कंसल्ट किया जा सकता है यह ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है नेक्स्ट हमारे पास स्टेप फाइव आउटपुट स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी पसंद होती है जब उनके टेक्स्ट बुक में यह फ्लेक्सिबिलिटी डाली जाती है कुछ प्रिंटेड वर्जन टेक्स्ट बुक के जो प्रिंटेड वर्जन होते हैं वो पसंद करते हैं कुछ वेबसाइट्स यूज करना पसंद करते हैं और कुछ जो है ना स्टिल ई रीडर यूज करते हैं या ई रीडिंग सॉफ्टवेयर भी यूज किए जाते हैं अपनी बुक को जितना ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए आप यूज करना चाहें या एक्सेसिबल बनाने के लिए तो अपनी जो बुक है उसको आप अवेलेबल करने के लिए आपको कंसीडर करना चाहिए मल्टीपल फॉर्मेट्स अपनी बुक्स को अवेलेबल करने के लिए आपको मल्टीपल फॉर्मेट यूज करने पड़ेंगे ताकि स्टूडेंट्स के अंदर सलाहियत हो वो फॉर्मेट चूज कर सकें जो उनके लिए काम करे ओपन टेक्स्टबुक जो प्रोजेक्ट होता है कम से कम वो ऐसा या ए ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं इनपे अवेलेबल है मींस एच डी एम एल फॉर्मेट में नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप सिक्स होस्टिंग योर बुक और हाउ डू माय स्टूडेंट गेट माई बुक्स जब भी आप अपने टेक्स्ट बुक के वर्जन को एडिट करते हैं तो आपको एक ऐसी जगह चाहिए जिसपे आप अपने टेक्स्ट बुक को डालना चाहते हैं जहां पे आपके स्टूडेंट उस टेक्स्ट बुक को एक्सेस भी कर सकें तो यकीन आप इसके लिए कोई ना कोई वेबसाइट यूज करेंगे या कोई डाटा बेस करेंगे जिसमें आपकी बुक इजिली अवेलेबल हो और लोग वहां तक इजिली एक्सेस भी कर सकें या इसके अलावा लिंक शेयरिंग या जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी यूज करते हैं सो तो ये हमारे पास कुछ प्वाइंट्स हैं कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के हवाले से और टेक्स्ट बुक की जो पब्लिशिंग है या मॉडिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं इन स्टेप्स की मदद से सो स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क प्लीज इन द कमेंट बॉक्स यू कैन आस्क मी एट माय व्हाट्सएप नंबर एज़ वेल शेयर दिस इंफॉर्मेशन लाइक दिस लेक्चर एज़ वेल एंड शेयर योर कमेंट्स एज़ वेल सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू